तुमने शायद रिसेंटली न्यूज चैनल्स पे सुना होगा एक बांग्लादेश की लड़की की स्टोरी है जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल होती है। वो लड़का जो है काफी ज्यादा मेहनती होता है, अपनी स्टडीज के साथ साथ पैसा कमाने का भी सोचता है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक पोएट्री फार्म में जॉब करने शुरू करता है, मुर्गी फार्म, जहाँ पे उसके कुछ दोस्त बनते हैं और बाद में वो लोग की दुश्मनी हो जाती है और उसके बाद दुश्मनी इस कदर पहुंच जाती है कि वो सारे लोग मिलके उस लड़के को मार देते हैं। बात जो है सिर्फ मारने पे खत्म नहीं होती है, जो बाकी लड़के होते हैं वो करते क्या है, मिलके उसके शरीर पे से मांस हटा के उसको खाते हैं और बची कुची जो हड्डियां हैं उन्हें किसी पहाड़ पे ले जाके फेंक देते हैं। 17 अगस्त 2023 को सिबलिक सिद्दिक हृदय, ये उस लड़के का पूरा नाम होता है, अपनी मम्मी को कॉल करता है और कहता है कि उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जो सुनकर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो अपने घर से दूर रहता है। जब अचानक से उसकी मम्मी के पास उसका ऐसे कुछ फोन जाता है तो पूरे घर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देन उनकी थोड़ी सी ही बात होती है इतने में फोन कट हो जाता है। सो फोन कटने के थोड़ी देर बाद एक फोन आता है जो कि सिबली का नहीं होता है, वो होता है उन किडनैपर्स का जिसने सिबली को किडनैप किया होता है। और वो किडनैपर्स बताते हैं कि हमने तुम्हारे लड़के को ऐसे ऐसे करके किडनैप कर लिया है, अब तुम्हें कुछ रकम देनी होगी मैं फरौती की, जो कि किडनैपर्स डिमांड करते हैं 15 लाख टका, बांग्लादेश में टका बोलते हैं रुपए को, मतलब वहां के पैसे हैं ये, कि हमें 15 लाख टका चाहिए, जो कि सिबली की फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जैसे कि वो सब गरीब हैं, 15 लाख रुपए भाई आसान नहीं होते हैं एकदम से जुटाने। किडनैपर्स का कहना होता है तुम अगर हमें पैसे नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे, तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। तो ये सब सुन के उसकी फैमिली मम्मी पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम इंतजाम करते हैं, हमें कुछ दिन का टाइम दो। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। सिबली के दोस्तों ने उसको किडनैप करके उससे उसके घर वालों से पैसे मांगे, दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में कैसे बदल गई, क्या हुआ ऐसा। तो सिबली जो एक अच्छा लड़का था जिसके कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था और अपनी फैमिली को गरीबी से निकालना चाहता था, जो कि हर एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है। सो सिबली जो है पढ़ाई कर रहा था जैसे मैंने तुम्हें बताया कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज से, तो पढ़ाई के साथ साथ वो चाहता था अपने खर्चे अपनी फीस वो खुद से भरे खुद से उठाए, इसीलिए उसने जॉब ढूंढनी शुरू करी। और थोड़े टाइम बाद जॉब ढूंढते ढूंढते उसे एक पोएट्री फार्म के अंदर जॉब मिल गई। अब सिबली जो एक पढ़ा लिखा लड़का था तो जो वहां का ओनर था जो मालिक था उसने देखा कि सिबली जो है काफी ईमानदार और अच्छा लड़का है तो इसके ऊपर मैं सारी जिम्मेदारी छोड़ सकता हूं। तो उसने जो पोएट्री फार्म का सारा मैनेजमेंट था वो सिबली के हाथों छोड़ दिया। वहां जितने भी बाकी वर्कर्स काम करते थे उनको वो मैनेज करता था, उन्हें बताता था कि भाई ये ऐसा करो, इस टाइम ये होना चाहिए, तुमने ये काम नहीं करा ये करो। सिबली के जो दोस्त थे बाकी वो एज में काफी ज्यादा बड़े थे, 24-25 साल के, तो ये सोच के उनके दिमाग में ये आया कि ये सिर्फ 19 साल का लड़का है, जिस टाइम पे वो जॉब करता था 19 का था, कि 19 साल का लड़का और हम इतने बड़े हैं, ये हम पे हुकुम कैसे चला सकता है, हमें ऑर्डर कैसे करके दे सकता है। ये सब बोल के वो जो है लोग काम ज्यादा नहीं करते थे, वो सोचते थे कि ये दोस्त हमारा ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, हम अपना मक्कारी के साथ काम करते रहते हैं, जब मन जैसे मन वो करता है, जो चीज सिबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो इसके चलते मुर्गी फार्म का जो ओनर था उससे उसने काफी बार उसकी उनकी उन लोगों की कंप्लेन भी करी कि ये ऐसा है, जिसके चलते वो लोग उससे गुस्सा होने लगे, उन सबके बीच में और सिबली के बीच में दरार आने लगी कि इसको तो हम बताएंगे, इसे पकड़ते हैं किस दिन, इसे पीटेंगे, इसे सुधार देंगे। तो ऐसा चल के उनके बीच में झगड़े हुए, लेकिन जब इस सारे झगड़े के बारे में ओनर को पता लगा उस फार्म के तो उन्होंने सब सुलझाया, फिर मामला हो गया शांत, सब लोग अच्छे से काम करने लगे, सिबली भी खुश कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं, फार्म अच्छे से चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे एक बात थी कि हमें लेना है बदला, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये परेशान हो जाए और हमारे जो मन को सुकून मिले। ऐसे ही चलता रहा सब, 3-4 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। ये जो बाकी पोएट्री फार्म के लड़के थे इनमें एक लड़के का नाम था ऑंगचिंग मारमा। सिबली पोएट्री फार्म पे अपना काम कर रहा होता, काम खत्म कर रहा होता, तभी ये ऑंगचिंग मारमा और उसके साथ कुछ लड़के आते हैं और सिबली को उठा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। सिबली को पीटते पाटते भी हैं तो सिबली को होश नहीं रहता है, फिर जब उसको होश आता है तो वो खुद को पाता है कि वो कहीं पे बंधा पड़ा है और उसको समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको किडनैप करके ये लोग ले आए हैं। सो सिबली को 10-12 घंटे बाद पता लगता है कि जो उसका फोन है वो उसी के पास है, इन लोगों ने उसका फोन नहीं लिया है। तो वो अपनी माँ को कॉल करता है अपने फोन से और बताता है कि उसके साथ ऐसा 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 करके हुआ है। देन उसकी माँ घबराती है जैसे मैंने तुम्हें बताया, फिर किडनैपर्स उससे पैसे की डिमांड करते हैं। अब वहां पर सिबली के मम्मी पापा जो कि गरीब है वो पैसे जोड़ने पर लगे हुए हैं, बट बहुत ज्यादा रकम थी है जो कि उनसे जुड़नी मुश्किल थी। सो 3-4 दिन बीत जाते हैं, सिबली को वो कैद करे रहते हैं। फिर उसके मम्मी पापा को 3-4 दिन बाद जब वो कॉल करते हैं कि पैसे कहाँ हैं, क्या तुमने पैसे इकट्ठा करे,
तो उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं किडनैपर्स के सामने कि हमारी समस्या तुम थोड़ी समझो, हम बहुत करीब हैं, इतने पैसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ पैसे कम करो जिससे कि हम दें और हमारा बेटा जल्दी से जल्दी हमारे पास हो। तो ये सारी बात चलते चलते किडनैपर्स को जैसे कि पता ही होता है कि गरीब है तभी यहाँ पे आके काम कर रहा था, तो वो 15 लाख टका से 2 लाख टका की डिमांड पे आ जाते हैं कि तुम हमें 2 लाख टका दो, हम तुम्हारा बेटा तुम्हें दे देंगे। 2 लाख टका भी बहुत ज्यादा रकम थी सिबली के मम्मी पापा के लिए, फिर भी उन्होंने अपना जोड़ा जैसे तैसा करके। सो 4 सितंबर को पैसों का इंतजाम हो जाता है। सिबली के जो पिताजी होते हैं वो किडनैपर्स को कॉल करते हैं और उनकी बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से एक बार याद दिला दूं, जो किडनैप हुआ था वो 27 अगस्त को हुआ था। इस बीच में काफी ज्यादा दिन निकल गए, तब तक सिबली को उन्होंने कैद करके रख रखा था और उसके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि सिबली अभी तक जिंदा है, सिबली एकदम बढ़िया है, हम पैसे देंगे, हमारा लड़का हमारे घर आ जाएगा, जैसे कि किडनैपर्स ने कहा था। तो सिबली के पापा पैसे लेके जाते हैं किडनैपर्स की बताई हुई जगह पे। वहां 2 लोग आते हैं, सिबली के पापा को लगता है कि वो उसके लड़के के साथ आएंगे, वो अपने घर बुला लाएगा उन्हें और सब अच्छा हो जाएगा, सब पहले ऐसा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किडनैपर्स जैसे 2 लोग आते हैं, सिबली के पापा उनको पैसे देते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो किडनैपर्स कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर पे होगा। तो सिबली के पापा कहते हैं चलो ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ तुम पे, मेरा बेटा मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। जब सिबली के पापा खुशी खुशी आ रहे होते हैं घर की, अब तो सब सही हो जाएगा, जब वो घर आके देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका लड़का घर पे आता ही नहीं है, मतलब नहीं आया होता है वो घर पे। सिबली के माता पिता ने फिर कॉल किया किडनैपर्स को रोते हुए कि तुमने अभी तक हमारा बेटा नहीं भेजा है, कहाँ है वो, क्या वो ठीक है, क्या उसके साथ तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है। फिर इतने में किडनैपर्स कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, वो जल्दी घर पहुंच जाएगा, 1 या 2 दिन का इंतजार करो। फिर इंतजार करते करते 3 दिन निकल जाते हैं, 4 सितंबर से हो जाती है 7 सितंबर। पेरेंट्स उसके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब तो पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ, हमारा बेटा जिंदा भी है या फिर चल बसा या फिर उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया है। जब इन सारे सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले तो वो लोग परेशान हो गए और परेशान होके उन्होंने वही किया जो उन्हें शायद बहुत पहले करना चाहिए था, वो गए पुलिस स्टेशन पुलिस पे कंप्लेन करने। अब किडनैपर्स ने पहले ही मना किया था पुलिस को बताने को कि तुम पुलिस को नहीं बताना, तुमने पुलिस को बताया तो हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे, तुम ना हमें पकड़ पाओगे ना तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल पाएगा। इस वजह से उसके मम्मी पापा पुलिस पे नहीं गए थे, जो कि ज़्यादातर केस में होता ही है। सो पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि सिवली जो है बहुत अच्छा लड़का था, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये कभी किसी से फालतू झगड़े वगैरह मार पिटाई वगैरह नहीं करता था। उसके बाद पोएट्री फार्म से उन्हें पता लगे कि 2-3 महीने पहले एक लड़ाई हुई थी पोएट्री फार्म पे सिवली की बाकी सारे लड़कों से जो भी वहां काम करते थे, तो सीधा शक जो है उन लड़कों पे गया। अब पुलिस ने उनसे जांच पड़ताल करी, उन्होंने लेकिन नहीं बताया कुछ भी कि नहीं हमें नहीं पता कहाँ है वो, कैसे है वो। बट पुलिस ने जब बहुत ज्यादा उन्हें फोर्स किया तो थोड़ी बहुत चीजें पता लगी, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया उन लड़कों को। सो पोएट्री फार्म से जो लड़के पकड़े गए थे वो 3 लड़के सिर्फ पकड़े गए थे, लेकिन जो सारे केस में इन्वॉल्व थे वो 5 लड़के थे, जिसमें से एक जो सबसे मुखिया था वो था उमचिंग मारमा। वो और उसका एक दोस्त फरार थे, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं था। बाकी 3 से जानकारी निकालने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता लगा कि वो दो कहाँ है, तो उन दोनों को जाके पकड़ा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि सिबली कहाँ है, उसके साथ तुमने क्या किया है, वो इतने दिन से कहाँ गायब है। तो पता लगता है कि उन लोगों ने सिबली को मार दिया है, वो इस दुनिया में अब नहीं है। और बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद ये पता लगता है कि उन लोगों ने जो उसके शरीर की हड्डियाँ थीं वो किसी पहाड़ पर फेंक रखी हैं, जहाँ से उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश करी है, और सिबली को उन्होंने मार के उसे खा लिया है। हाँ, खा लिया है, जो उसकी हड्डियां थी वो उन्होंने फेंक दी हैं। सो इस सारी चीजों के बाद जो आरोपी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कंकाल कहाँ है उसका, जो हड्डियां थी जो तुमने फेंकी हैं वो कहाँ है। तो वो लोग उसे एक पहाड़ पे लेके जाते हैं और साथ में सिबली के पेरेंट्स होते हैं और पुलिस वाले होते हैं। जब वहाँ वो कंकाल मिलता है, वो उसे देखते हैं तो सब रोने लगते हैं, सबकी जो रूह है वो कांप जाती है, किसी की भी कांपेगी देख के सोच के कि क्या हुआ है उनके लड़के के साथ, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ हैं यहाँ, बाकी सब ये लोग खा गए हैं। ऐसा होने के बाद ये जो है बात एकदम से पूरे गांव में, पूरे शहर में बहुत तेज़ी से फैल गई है। फिर जब आरोपी के साथ पुलिस वाले लेके निकल के जा रहे हैं गांव से, तो गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी रोक दिया है। सो जो मेन आरोपी था उमचिंग मारमा, उसको वहीं पर पुलिस की गाड़ी से लोगों ने निकाल के मार दिया, पीटते पीटते जान से।
पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, सारे गांव के लोग वहां पे आ गए थे। जो बाकी आरोपी थे उन्हें जैसे तैसे बचा के ले आई है पुलिस, लेकिन जो मेन वो था वो मर गया था। अब बाकियों से जांच पड़ताल चल रही है, उन्हें क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो आगे डिसाइड होगा अभी। लेकिन जो एक बंदा मेन था उसे पुलिस के सामने पूरे गांव के लोगों ने मार दिया है। अब तुम मुझसे पूछोगे अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया, अच्छा किया। मैं कोई वायलेंस सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से आगे चल के चीजें होती, पता नहीं कितने टाइम में होती कैसे होती, उस हिसाब को सोच के अच्छा ही है। जो भी लोग करते हैं बहुत अजीब अजीब चीजें, इंसानियत के परे जाके चीजें, उनके साथ अगर ऐसा हो भी जा रहा है तो कोई गलत या बड़ी बात नहीं लगती मुझे मेरी नजरों में। अगर वो सारे लोग मिलके एक इंसान को मार के उसकी चमड़ी उधेड़ के उसे खा जा रहे हैं, तो उनको भी मिलके किसी ने पीट के मार दिया तो भाई कोई वो नहीं है, कोई हमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है या फिर हमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि देश का कानून क्या कर रहा है क्या नहीं क्या नहीं, सब उनके सामने मार दिया। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतना ही, मक्खी घूम रही है इधर एक, इसे मार के इसका मांस मैं खा जाऊँ। हाँ भाई क्या क्या होता जा रहा है यार, पता नहीं दुनिया को। खैर ये एक ऐसा इकलौता ऐसा केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं इस तरह के जिसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें इस चोरी को सुनने में मजा आया हो, मैंने सही से नरेट की हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय। तब तक अपना ख्याल रखो।